मीरा रोड में संपन्न हुई चित्रगुप्त की पूजा। चित्रांश महापरिवार द्वारा आयोजित चित्रगुप्त पूजा। बड़ी संख्या में लोगों ने दर्ज करवाई अपनी उपस्थिति। मीरा भाईंदर की नवनिर्वाचित विधायिका गीता जैन की विशेष उपस्थिति। मीरा रोड में साल 2001 में स्थापित चित्रांश महापरिवार हर साल चित्रगुप्त पूजा का आयोजन करता रहा है। इस साल भी चित्रांश ने कलम और दवात की पूजा की। इस आयोजन में कायस्थ समाज के लोग शामिल हुए। चित्रांश महापरिवार के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने संस्था और समाज के बारे में अपनी बात रखी। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप साक्षी हैं, 2001 से इस महापरिवार की पूजा में आप हमेशा जुड़े हैं, अपना प्यार इसने दिया है। और आज ये जो महापरिवार का जो काफिला है, आज चलते चलते 2019 तक आ गए हम लोग, और आगे समाज के लिए बहुत सारी अपनी कोशिशें हैं जो समाज को आगे बढ़ा के इकट्ठा करना है। और समाज के प्रति इस चित्रांश महापरिवार का क्या योगदान है, उसमें भी हम अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस शहर में निभाएंगे। हमारे युवाओं में जज्बा है और आने वाले टाइम में आपको फ़र्क दिखाई पड़ेगा कि ये समाज यहाँ की राजनीति, यहाँ के सामाजिक गतिविधियों में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये पिछले साल आदरणीय आमदार गीता जैन जी ने, जब आमदार नहीं थी, तो इन्होंने हमारे हम लोगों के समाज में आई, उनको बहुत अच्छा लगा और बोली ये तो भगवान का काम है। और इन्होंने एक मंदिर में अपने बाबा की मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए जगह की व्यवस्था की थी, तो ये इस साल हम लोग पूरा कर लेंगे और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। महाराष्ट्र की धरती पे अपने चित्रगुप्त महाराज का एक मंदिर होगा। इस आयोजन में नव निर्वाचित विधायक गीता जैन विशेष रूप से उपस्थित रही। चित्रांश महापरिवार ने इनकी जीत और आगमन के लिए इनका स्वागत सत्कार किया। कायस्थ समाज सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, ब्रह्मा जी के अंश के तौर पे हम लोग अपनी प्रचार बना लिए हैं और आज हमने पूजा की है। और सबसे जो अहम बात है कि कायस्थ के अंदर एक सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो यही होती है कि लाला लाने की जो परंपरा है वो भिन्न भिन्न होता है। लाला मतलब इसलिए हम लोग लाला है और एक दूसरे के मन का जो भी सवाल होता है उसको हम लोग समझते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो आज हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अब एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक हों, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और चलते चलते मैं एक विशेष सुनाना चाहूँगा कि शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर भी लिखा हुआ है, शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर भी लिखा हुआ है। मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। बस और मैं अभी एक चैनल चला रहा हूँ, उसका नाम है N24 न्यूज। और शिशिर इस बात के गवाह है कि जब भी हुआ है, जब भी हमें समय मिला है, तब तक हमने प्रमोशन का काम किया है। क्योंकि आप अपना प्रमोशन जब तक नहीं करेंगे तब तक दूसरा नहीं करेगा। और यही कारण है कि आज चित्रांश महापरिवार की जो स्थिति इंदुनी राज्य की होनी चाहिए मीडिया में, उस पर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों का साथ रहा तो हो सकता है मैं चित्रगुप्त टीवी भी लॉन्च कर दूँ। इस शहर में एक इतिहास और वो इतिहास बनाया है इस शहर की जनता। गीता जी, भरत जी, आप सबका, आप दोनों का ये शहर आभारी है। आपने हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के, आपने हम जैसे इस समाज के कार्यकर्ताओं को दो कदम की जगह दी। हमें कोई जगह नहीं थी मैडम, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे अगर आप ये इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा। आप शुरुआत से शंका हमें थी कि आप इलेक्शन लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। कृपया ये थोड़ा सा आवाज कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये पांव छूने वाले, नमस्ते करने वाले, थोड़ा सा रुकिए, हम कुछ जरूरी बातें आपसे कर रहे हैं। चित्रांश परिवार ने शुरू से अभी
जिन भाई का नाम ले रहे थे उनको भी कभी बड़े प्यार से बुलाया गया था यहाँ, लेकिन उन्होंने जनता को धोखा दिया। और मैडम आपके बारे में किसी को कोई आशंका नहीं है, 2.5 साल इस शहर को आपने प्यार किया, तो सब देख के ही आपके साथ जनता जुड़ी। और मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन जरूर बोलूंगा। हमने भाई साहब को आगाह किया था, हमने आगाह किया था उनको बने हुए। मैडम मैंने कल डायरी देखी मेरी, 23 दिसंबर 2014 को लिख दिया था मैंने, चमचे चोर चकारों से तुम बचकर रहना महता रही, झूठे चाटुकारों से तुम बचकर रहना महता रही। कहने को तो मैं आपको भी कह सकता हूँ कि चमचे चोर चकारों से तुम बचकर रहना गीता जी, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कहने की। आप तो पहले ही इन सब चीजों को, दिनेश जी प्लीज मैं उनसे मुखातिब हूं, आपसे ही कहने की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, ये शहर आपको जानता है। ना चमचे चोर चकार आपके पास पहले ठहर पाए ना आगे ठहरेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, रावण का अहंकार टूटा है, लेकिन रावण के 10 सर थे, 10 कंधे कहा जाता था। बुराई को जड़ से खत्म करना होता है गीता जी, अभी जड़ें उस बुराई की बहुत मजबूत हैं, वो जड़ें कैसे काटी जाएंगी। रावण का 2रा सर आएगा, 3रा आएगा, 4था आएगा, 10 तक आएंगे, उनको कैसे आप निपटेंगे, कैसे जनता का साथ लेके निपटेंगे। अभी आपको इस शहर पर पकड़ बनानी है, आज संगठन पर पकड़ करनी है, अगर आप संगठन के साथ जाती हैं तो आपको शर्तें रखनी पड़ेंगी। लोग कहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, क्योंकि ये कुछ बातें राजनीति की हैं जो राजनीति की आपस में करनी चाहिए, लेकिन ये खुलेआम बातें होंगी, इसलिए आपको यहाँ से कहा जा रहा है। जब इस तरह का आयोजन होता है तो भगवान चित्रगुप्त के भक्तों में अलग तरीके का उमंग और उत्साह देखा जाता है। इस आयोजन में शामिल मीरा भाईंदर की नवनिर्वाचित विधायक गीता जैन ने चित्रांश महापरिवार को बधाई दी। इस मौके पर पुजारियों ने भी आयोजन के महत्व को समझाया और चित्रगुप्त भगवान की पूजा की विशिष्टता बताई। बड़े ही सौभाग्य का पावन विषय है कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी चित्रांश परिवार ने चित्रांश जी की सुंदर पूजा करा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि सनातन संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहिए, प्राचीनतम को छोड़ना नहीं है और नवीनता को विरोध नहीं करना। इसलिए हमारे आचार्य रामपद शास्त्री जी ने दिव्य पूजन कराया, हमने भी इसका आनंद प्राप्त किया और आज सब जनता जनार्दन
चित्रांश परिवार के तरफ से यहाँ पर विधायिका आदरणीय गीता जैन जी भी यहाँ पर पहुँची और अपने समय दिया और चित्रांश की पूजा की, भगवान की पूजा की और धूप दीप भोग लगाया। बड़े सौभाग्य का विषय है। जीवन में यदि ऊंचाइयाँ प्राप्त करनी है तो सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जन सेवा मान करके सेवा करना चाहिए। और अपने यहाँ तो पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, गोबर की भी पूजा होती है, गोमूत्र की भी पूजा होती है। भगवान के ऊपर जो चढ़ जाता है, भगवान के ऊपर जो चढ़ जाता है वो चरणामृत हो जाता है। चरणामृत है, पंचामृत है, गंगा जल है। तो अपना जो सनातन धर्म है तो पर्यावरण की रक्षा, सुरक्षा, वेद की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, सनातन संस्कृति रक्षा करता है। और आप लोग भी यहाँ पर पधारे, आप लोगों को भी खूब खूब हमारी तरफ धन्यवाद है। मैं जयप्रकाश शास्त्री श्रीधाम वृंदावन से मुंबई महानगरी में साल में एक दो बार आता हूँ, तो मैंने भी इस संस्था का आयोजन का आनंद लिया। आज के दिन हम लोग बड़े ही हर्ष उल्लास से जो चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं, यम द्वितीया महापुण्य तिथि में ब्रह्मा के पुत्र जो चित्रगुप्त भगवान हुए उनसे हम लोग लेखनी और पुस्तिका में पूजन करके भगवान चित्रगुप्त भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं कि हे चित्रगुप्त भगवान, हमारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में सफलता दीजिए, हमारे जीवन में सदा आपकी कृपा बनी रहे, सदा आपका आशीर्वाद बना रहे और आपकी कृपा से हमेशा दीर्घायु की प्राप्ति हो और धन और धान्य की कमी ना आए, भगवती जगदम्बा की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा रही रहे और हमारे जीवन में बच्चों को विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो। ऐसे हम लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा करके यम द्वितीया महापुण्य तिथि में यमराज ने अपनी बहन के यहाँ जाकर भोजन किया था, इस प्रकार हम लोग भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होकर दीर्घायु को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। मैं भगवान चित्रगुप्त से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सभी हमारे चित्रगुप्त परिवार को निरोग रखें, धन धान्य की कमी ना आए, लक्ष्मी की कमी ना आए और उनके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो। यही मेरी चित्रगुप्त भगवान से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है और मैं सभी को आशीर्वाद देते हुए अपनी यह मन में संकल्प लेता हूँ कि ऐसे ही सर्वजनिक मिलकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा करें और अपने वंशजों का नाम बढ़ाएं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु ब्राह्मणों को यह सब देखकर बहुत उत्साह होगा, यह सब देखकर उन्हें प्रसन्नता होगी कि इन्होंने ऐसा संकल्प लिया, ऐसा देश के लिए, ऐसा सभी के कल्याण के लिए जो पूजा रखी, इसमें सभी लोग गौरवान्वित होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चित्रगुप्त भगवान की पूजा भले ही कायस्थ समाज के लोग विधिवत तरीके से करते हों, लेकिन सच तो यही है कि इनकी महिमा से हर समाज के लोग परिचित हैं। जल्द ही विधायक गीता जैन की मदद से मीरा रोड में भगवान चित्रगुप्त का मंदिर भी निर्मित होने जा रहा है। जाहिर है कायस्थ समाज के अलावा हर किसी को भगवान चित्रगुप्त की पूजा और दर्शन करने का मौका प्राप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।